आज हम आपको बुलंद हौसलों की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख बेरोजगारी का रोना रोने वाले, शारीरिक रूप से सक्षम और दिव्यांगता को अपनी कमजोरी मानने वाले सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालोद जिले के अर्जुंदा नगर से लगे ग्राम टिकरी निवासी 24 वर्षीय अनिकेत देवांगन की। अनिकेत मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार 90% दिव्यांग है। दोनों पैरों में तकलीफ होने के चलते बड़ी मुश्किल से 10 साल की उम्र में चलना सीखा। उनके दोनों हाथों में भी समस्या है जिसकी वजह से किसी चीज को ठीक से पकड़ नहीं पाता और पूरे शरीर के साथ हाथ कांपता है। यही नहीं, जुबान भी इतनी लड़खड़ाती है कि कोई भी शब्द ठीक से पूरा बोल नहीं पाता। इन सब के बावजूद अनिकेत दिव्यांगता को कमजोरी ना बना अपने बुलंद हौसलों से शारीरिक दिव्यांगता को मात दे लड़खड़ाते हुए अपने गांव टिकरी से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास 25 गांवों में अलग अलग दिन पैदल, कभी लिफ्ट तो कभी बस से सफर कर चूड़ी कंगन बेच आमदनी अर्जित कर मजबूती के साथ अपने पैर पर खड़ा है और अपनी हर जरूरत को पूरा करने के साथ परिवार चलाने में माता पिता का हाथ भी बटा रहा है। मैं जरूरी खर्चे कपड़ा है लगता है। पिता मनीष देवांगन टेलरिंग का काम करते हैं। वो बताते हैं कि अनिकेत बचपन से ही दिव्यांग है। उनको चलने और बोलने के साथ हाथ में भी दिक्कत है जिसके कारण खाना खाने में भी परेशानी होती है। पहले वह चल नहीं पाता था, अब कुछ हद तक चल लेता है और लगभग 10 साल से व्यापार कर अपनी हर जरूरत को पूरा करने के साथ परिवार चलाने में उनका हाथ बटाता है। वही अनिकेत के हौसलों के आगे उसके ग्राहक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, ये बचपनों से विकलांग है और ये पूरा मतलब अब कुछ ठीक हो गया है, बहुत ही ठीक हो गया है और ये काम वाम भी करने लग गया है। 8-10 साल से ये पहले जीवी बराबर साबुन निर्मा वगैरह सब शैम्पू वगैरह बेचता था और अभी 4 साल से ये चूड़ी कंगन बेच रहा है और ये कुछ अच्छा आय का साधन बना लिया है। और ये छोटा छोटा गांव में जाता है, जैसे 8-10 गांव, 20-25 गांव घूम लेता है, मतलब महीने में 20-25 गांव चले जाता है। और इसमें जाता है, ये पैदल जाता है और कहीं लिफ्ट मिल जाए तो उसी में चले जाता है या नहीं मिले तो पैदल ही चले जाता है और बस का साधन रहे तो बस में ही जाता है। ये हमारे गांव के पास का टिकरी का एक बच्चा है और विकलांग है और 3-4 साल से चूड़ी बेचने का काम कर रहा है और हमारे यहाँ भी 3-4 साल से वो आ रहा है पैदल। वो विकलांग हो तो ये पैदल गांव में घूम के अपना मतलब चूड़ी बेचता है और अपना मतलब रोजगार का माध्यम बनाया है। तो आजकल के बच्चे जो पढ़े लिखे हुए होते हुए भी जो बेरोजगार है उनको इनसे सबक लेना चाहिए कि विकलांग होते हुए भी अपना चूड़ी बेच के अपने घर का मतलब चला रहा है। तो आजकल जो शिक्षित बच्चे हैं उनको भी मतलब चाहिए कि वो अपना कोई ना कोई रोजगार का एक माध्यम बनाए और वो अपना जीविका मतलब साधन ये करे है ना। और इनसे सीख लेना चाहिए सभी को कि मतलब ये एक प्रेरणा के माध्यम है और आज के बच्चे भी इनसे सीख ले और अपना रोजी रोटी का जीविका का जो साधन है उपलब्ध करा ले।
मेरे विधानसभा क्षेत्र का ग्राम टिकरी निवासी है बालक अनिकेत, दिव्यांग होकर भी आज अपने लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराकर गांव गांव जाकर चूड़ी और कंगन बेचने का काम करता है। विगत लगभग 6-7 साल से ये धंधा कर रहा, आज 22-23 साल की इसकी उम्र हो गई है। ये ठीक से नहीं बोल पाता, लेकिन उसके बाद ठीक से चल नहीं पाता, उसके बाद भी इसके मन में वो जोश जुनून और जज्बा है कि इसने अपनी दिव्यांगता को अपने जीवन में अभिशाप बनने नहीं दिया। इनकी सोच है कि मैं स्वयं स्वरोजगार करूं, आर्थिक रूप से सक्षम बनूं और अपने परिवार को भी सहायता करूं, और आज इसका उदाहरण है। मैं उन युवाओं को भी इनसे सीख लेने के लिए, इनसे प्रेरणा लेने के लिए आह्वान करता हूं कि आप इस अनिकेत से कुछ सीखें और इनका अनुसरण करें। मैं इनके परिवार को भी और इनको भी बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने को स्थापित करने का प्रयास किया, और आज मैं इसके धंधे के लिए कुछ आर्थिक सहयोग भी करूंगा। और साथ ही ये जब पैदल जाते हैं तो कई गांव भी निकल जाते हैं, लिफ्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो पैदल ही घर आते हैं, या कभी कभी बस के संसाधन मिल गए तो आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा परिवहन की सुविधा हो, वहां तक पहुंच सकेगी और घर आसानी से वापस आ सके। आज मानव समाज के लिए अनिकेत एक प्रेरणा है, जिसने दिव्यांगता को बौना साबित कर उन युवाओं के सामने मिसाल प्रस्तुत की है जो सक्षम होते हुए भी बेरोजगारी की बैसाखी थामते हैं। अनिकेत ने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।